तो गाइज़ आज फाइव ज़ीरो सेवन फाइव में देखेंगे डेवलपिंग असेंबली कैसे रिपेयर करते हैं और ओपन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल राइट डोर इसका ओपन कर लेते हैं उसके बाद देखेंगे ये एक स्क्रू के साथ लगा हुआ डेवलपिंग असेंबली का कवर है मेटल कवर तो इसे बाहर कर देते हैं उसके बाद डेवलपिंग असेंबली में एक ये स्विच लगा रहता है उसका कनेक्टर निकाल के बहुत ही आसानी से इसे बाहर कर लेंगे ओके गाइस 5075 का ये डेवलपिंग असेंबली है और इसमें करंट पास होता है इस पट्टी के थ्रू ओके okay? तो अब ये स्क्रू और ये स्क्रू दोनों ओपन करके ये टॉप प्लास्टिक कवर इसका निकाल देते हैं आसानी से अब ये मेटल जो सिल्वो प्लेट है पूरा ये दो स्क्रू एक ये एक ये ये दोनों स्क्रू के ओपन करके फिर ये पट्टी एक स्क्रू के साथ लगी इसे भी निकाल देते हैं अब इसके बाद ये सिल्वो प्लेट जो है इस यूनिट से आसानी से आउट हो जाएगा अगर आप इस तरफ देखें तो ये दो स्क्रू के साथ ये गियर सेट लगा हुआ है दोनों स्क्रू ओपन कर लेंगे और ये गियर सेट आसानी से बाहर हो जाएगा बहुत ही संभाल के अब इसके बाद ये गियर है मैग्नेट का इसे भी लॉक निकाल के गियर निकाल लेंगे और डीपी पी स्पेशर भी इसका निकाल लेंगे। निकाल लेंगे अब ये दूसरा डीपी पी स्पेशर भी निकाल लेते हैं इसके बाद ये जो आ, प्लेट आप देख रहे हो इसी से करंट पास होता है मैग्नेट में तो इसे भी बाहर निकाल के ये बैरिंग दोनों साइड बैरिंग लगा रहता है तो इस बैरिंग को भी थोड़ा फ्री कर लेंगे अब देखते हैं ये मैग्नेट ईजिली थोड़ा सॉफ्टली राइट साइड खींच के इसे धीरे से बाहर कर लेते हैं मैग्नेट हमारा चुका है अब इसके बाद ये पट्टी देख रहे हैं ये पट्टी से ही थ्रू करंट पास हो रहा है मैग्नेट में और ये सामने मेटल प्लेट जो देख रहे हैं दो स्क्रू के साथ लगा है ये प्लेट अंदर लगे हुए गियर को बैलेंसेबल करता है जो इन पट्टियों को घुमाता है तो गाइज़ अब ये प्लेट निकाल लिए उसके बाद ये दोनों गियर निकाल लेंगे पहला और ये दूसरा गियर जो प्रॉपरली फिट होता है इन पट्टियों के साथ अब ये पट्टी आसानी से दोनों पट्टियाँ बाहर हो जाएंगी अब ये गियर एज इट इज़ बहुत फ्रीली लगा रहता है तो इसे ऐसे रहेंगे ये स्विच है जो इन पट्टियों में ही लगी इस स्प्रिंग के थ्रू टच होता है ये गियर सेट ऐसा लगा रहता है और अगर कोई गियर ख़राब हो गया तो कैसे निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सारे गियर निकाल लेते हैं ये स्टेप बाय स्टेप लगा रहता है ये वाइट में से चारों गियर कोई भी लगा सकते हैं कहीं भी दैट्स मीन जहाँ ये लगे थे उसमें से कहीं भी लगा सकते हैं तो गाइज इन तीनों रॉडों में से जो तीन रॉड एक लाइन से लगे हैं इनमें से सबसे बीच वाले में पहला गियर सेट करना है अपने को पहला उसके बाद ये ब्लैक गियर उसके लेफ्ट साइड में लगाना है उसके बाद ये ब्लैक वाला बड़ा वाला गियर, फिर ये वाइट राइट वाइट लेफ्ट फिर वापस से राइट right, फिर इसको इस वाले में और इसको इस वाले में और इसे सेट कर देंगे ओके okay? अब ये कंप्लीट हो चुका है वापस से सेट uh, कर देते हैं ये दोनों पट्टियाँ मैं लगा दिया हूँ अब इन दोनों पट्टियों का ये गियर इसमें लगा देंगे प्रॉपर फिट करके उसके बाद ये जो मेटल प्लेट उनके साथ लगा था लगा दोनों इसका स्क्रू लगा देंगे अब ये दूसरी पट्टी जिससे करंट मैग्नेट को पास होती है उसमें बैरिंग एक लगा ही रहता है और उस बैरिंग के साथ ये मैग्नेट हल्का कनेक्ट करके हल्का पुश करेंगे तो ये मैग्नेट में बहुत इजीली इसे इंसर्ट कर देना है उसके साथ और एज़ इट इज़ दोनों साइड इंसर्ट होने के बाद जब ये बैरिंग प्रॉपर अपनी जगह पर सेट हो जाएगा तो ये मैगनेट फ्रीली मूव करने लगेगा जैसे इस तरफ बैरिंग है दोनों तरफ बैरिंग लगाने के बाद ये प्रॉपरली मूव करने लगेगा ठीक है अब देखिए जब मैं सेट कर दिया हूँ दो, दोनों बैरिंग दोनों साइड का तो इजीली मूव कर रहा है अब इसके बाद ये देखिए इस तरफ सब सेट हो गया है बट इसके दो स्क्रू लगाने हैं इस मेटल प्लेट के और ये गियर देखिए इधर का स्क्रू और ये दोनों स्क्रू लगाना है उसको लगाने के बाद ये भी फिट हो जाएगा और बैरिंग भी अपनी तरह फिट हो गया है अब यही जगह ये देखिए ये, ये पॉइंट से इस सिल्वर रॉड से ये कनेक्टेड रहता है ओके okay? ये सिल्वर रॉड में भी करंट पास होता है यहाँ प्रिंटिंग के टाइम पे। तो गाइस अब ये तो सेट हो गया कि भाई करंट पूरा कैसे पास होता है ये पट्टी रख देंगे तो इसी जो पहले पट्टी मैंने दिखाया जिसमें करंट आता है तो इस मेटल प्लेट के थ्रू चार्जेबल होकर वो दूसरे पॉइंट मैग्नेट के दूसरे पॉइंट में भी करंट पास करता इसको प्रॉपर एकदम सेट करके फ़िट कर देंगे ज़्यादा प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं बहुत इजीली है और इनके दोनों स्क्रू छोटे छोटे लगते हैं ज़्यादा बड़े स्क्रू नहीं लगाने हैं ये फिट होने के बाद जब ये फ़िट हो जाए तो इनका ये दोनों पॉइंट है वहाँ इस्क्रू लगा के इसे पैक करना है उसके बाद देखिए जिस तरफ स्विच है मतलब अपनी तरफ से डी का साइड ये वाला यहाँ इसका डी पी स्पेशर लगा देते हैं उसके बाद यहाँ जो करंट पास करने के लिए एक पट्टी लगी थी उसे लगा देते हैं ठीक है ये तो लॉक है दोनों तरफ पहले मैग्नेट को लॉक कर देते हैं लॉक से जिससे मैग्नेट आगे पीछे ना हो पाए एक फिक्स जगह पे मूव करें ओके ये गियर लगा के इसे लॉक कर देते हैं अब इसके बाद इस तरफ देखते हैं ये देखिए ये भी लॉक हो गया अब इसका गियर सेट लगा देते हैं बहुत ही आराम से और इसके दोनों स्क्रू भी लगा के इसे फिट कर देते हैं अब हम आते हैं इस तरफ इस तरफ ये देखिए ये पट्टी हमको लगा के प्रॉपरली इस पट्टी को लगाना है और इसे लगाने के बाद उसी सिल्वर प्लेट के साथ इसे एक स्क्रू द्वारा कनेक्ट कर दिया जाएगा ठीक है और सेंटर पॉइंट पे इस पट्टी को कनेक्ट करने का अब ये कनेक्ट हो चुका है ओके गाइस तो अब इसमें और कुछ बाकी नहीं इसका ये प्लास्टिक प्लेट ब्लैक प्लेट लगा देते हैं ये भी दो स्क्रू से पैक हो जाएगा और हमारा ये स्क्रू और ये स्क्रू और ये लॉक हो गया ओके गाइस तो ये अब डीपी रेडी हो चुका है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना ओके गुड डे गुड बाय